हे दोस्तों, आप देख रहे हैं T3 YouTube चैनल और आज हम करेंगे टेक्नो के कैमोन आई स्काई 2 की अनबॉक्सिंग। जानेंगे इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। यह फोन आपको ऑफलाइन मार्केट में 7500 का अवेलेबल मिलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, कीजिएगा आपके इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। तो हमारे सामने है टेक्नो कैमोन आई स्काई 2 का बॉक्स। बॉक्स के ऊपर लिखा है वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी, नीचे की तरफ लिखा है आई स्काई 2 और इसके नीचे लिखा है जियो का कुछ ऑफर। साइड में लिखे हैं इसके स्पेसिफिकेशन जो इस तरह से हैं, 13 प्लस वीजे कैमरा है रियर और 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। इसके साथ AI ब्यूटिफिकेशन मोड है, वीडियो फ्लैश लाइट है, 5.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, AI फेसलॉक है और 8.1 एंड्रॉइड ओरियो है। चलिए जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और जानते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे ऊपर मिलता है हमें टेक्नो कैमोन आई स्काई 2 स्मार्टफोन। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ मिलता है वारंटी कार्ड जिसमें लिखा है 12 प्लस 1 मंथ वारंटी, और उसके बाद मिलता है यूजर मैनुअल्स। इसके बाद हमें मिलता है पावर अडैप्टर जो कि है 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर का, और उसके बाद हमें मिलती है केबल जो कि है USB 2 माइक्रो USB केबल। चलिए आप जान लेते हैं हमारे स्मार्टफोन के फिजिकल ओरियो के बारे में। तो फ्रंट साइड में मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा इंक्लूडेड फ्लैश, रियर कैमरा मिलता है 13 प्लस वीजे कैमरा, उसके बाद हमें मिलता है ड्यूल LED फ्लैश और यहाँ पर है फिंगरप्रिंट स्कैनर, टेक्नो की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ दिया गया है फ़ोन का रिंगर या आप बोल सकते हैं उसको स्पीकर। इसके अलावा मिलता है हमें चार्जिंग जैक, माइक और 3.5 mm का स्लॉट। अगर बात करें राइट हैंड साइड की तो यहाँ मिलते हैं ऑन ऑफ के बटन और एक बॉडी ब्रोकर के बटन। अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता और ना ही ऊपर की तरफ कुछ है। अगर बात करें हम इसकी सिम ट्रे की तो यहाँ पर कंटेंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें मिलती है ड्यूल सिम कार्ड ट्रे और एक SD कार्ड स्लॉट। बैटरी है इस फ़ोन की 3050 mAh। चलिए अब बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की, तो फ़ोन की डिस्प्ले है 5.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। अगर बात करें इसके बैक पैनल की तो ये नॉर्मल प्लास्टिक का बना हुआ है जैसे टेक्नो के आम मोबाइल होते हैं। चलिए अब हम फ़ोन की सेटिंग खोलते हैं और जानते हैं फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में। तो जैसे हम सेटिंग खोलते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे फ़ोन के सिस्टम ऑप्शंस में जो कि नीचे नीचे होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं 2 GB की रैम है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 13 MP का फ्रंट कैमरा है, 13 प्लस VGA कैमरा है और साथ में है क्वाड कोर का प्रोसेसर, 3050 mAh की बैटरी, HD प्लस डिस्प्ले और एंड्रॉयड ओरियो का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें फ़ोन के सिक्योरिटी पैच की तो वो मिलता है हमें जुलाई 2018 का। ये बहुत ही खास बात है कि सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है। अब बात करें इसकी रैम की और इंटरनल स्टोरेज की, तो 2 GB में से 1 GB अवेलेबल मिलती है हमें, और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 10 GB अवेलेबल मिलती है 16 GB में से। चलिए हम इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी फीचर की तो हमें यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक और फेस आईडी लॉक का ऑप्शन मिलता है। जल्दी से मैं फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करता हूँ और हम चेक करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को। जैसे कि आप देखते हैं मैंने लॉक लगा दिया है तो इंस्टेंट ओपन हो रहा है, जैसे कि MI के सेट होते हैं या टेक्नो के अदर सेट होते हैं। ये काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काम उसी तरह कर रहा है जैसे नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करते हैं। चलिए अब जल्दी से फेस लॉक को भी अनरोल करते हैं और जल्दी से हम फेस लॉक को भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने फेस लॉक लगा दिया है और जैसे रखा और फेस के सामने लाया, यस इंस्टेंट वर्क कर रहा है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको और ये अनलॉक हो गया। अब बात करें फ़ोन की कैमरा सैंपल्स की तो ये नॉर्मल मोड में क्लिक की गई सेल्फी है जिसमें ब्यूटिफिकेशन मोड को ऑफ रखा गया है, और आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया। एज डिटेक्शन इतना अच्छा तो नहीं है फिर भी ठीक ठाक था। ये नॉर्मल मोड में क्लिक की गई है रियर कैमरे से, और अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड में तो ये आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में क्लिक की गई है, यहाँ भी एज डिटेक्शन ठीक ठाक से था। ओवरऑल बात करें तो ये फ़ोन 7500 की रेंज में आपको किस तरह से लगा, क्या आप इसको प्रेफर करेंगे या Redmi 6A को या फिर Infinix के स्मार्ट 2 को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।